दिव्यांग दंपति दरबदर की ठोकरें खाने को विवश। मकान पर निजी फाइनेंस बैंक के द्वारा ताला लगाने के बाद परिवार की हालत है खस्ताहाल। आसिंदु उपखंड क्षेत्र की दातारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बड़ाखेड़ा गांव निवासी देवीलाल गुजर एवं उसकी पत्नी जो जन्म से ही दिव्यांग है अपने परिवार के साथ पशुओं के बाड़े में रहने को विवश है। निजी फाइनेंस बैंक के द्वारा दिव्यांग दंपति के परिवार को बाहर निकालकर मकान को किया गया है सीज। पिछले 6 दिनों से दिव्यांग दंपति का परिवार पशुओं के बाड़े में निवास कर रहा है। वहीं दिव्यांग देवीलाल गुजर उपखंड प्रशासन एवं जिला प्रशासन के कार्यालय के कई बार चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब दिव्यांग दंपति सीएम से मिलकर के सीएम को अपनी फरियाद सुनाएंगे। दिव्यांग दंपति इस भीषण गर्मी में किस तरह से परेशान है आप देख सकते हैं। इन दोनों को पशुओं के बाड़े में रहना पड़ रहा है। वहीं दिव्यांग दंपति का कहना है कि यदि 2 दिवस में मकान के ताले नहीं खोले जाते हैं तो दिव्यांग दंपति परिवार सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठकर भूख हड़ताल करेगा। दिव्यांगजन देवीलाल गुजर ने बताया कि उसके पिताजी ने बने हुए मकान पर 6,45,000 का लोन लिया था, जिसकी 11 महीने तक 11,622 रुपये की किस्त थी, वो भी भरी जब तक पिता जीवित थे। पिता के नाम पर ही लोन था। भीलवाड़ा से ये विशेष रिपोर्ट दिव्यांग जगत के लिए। सुनिए देवीलाल गुजर ने क्या बताया। 6,45,000 2020 में और 11 महीने तक मैंने किस्त भरी। 11 महीने बाद में शांत हो गए, फिर हमने किस्त नहीं भरी। बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र लेके गए, उसने बीमा बोला कि तेरा मेरा बना दिया, जबकि आज दिन तक पॉलिसी नहीं देगी। हम कलेक्टर साहब के पास गए, 16 तारीख को आए, लो कर गए बिना किसी सूचना, नोटिस दिए, अचानक आए, पुलिस प्रशासन साथ में था और हमारे तीनों मकानों को लॉक करके गए। हम इधर पीछे बाड़े में हैं, दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, हमारे एक लड़का लड़की है, और कलेक्टर साहब को बोला हमें समय दिलाए, जो हम मोल मोल राशि होगी वो जमा करा देंगे। अभी 2 बार कलेक्टर पास गए, एसडीएम के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही।